हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये बहुत ही सुंदर सा डोरमेट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे आप पूजा के आसन की तरह, टेबल मेट की तरह या थालापोश की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं आपको 30 फंदे में बनाना बताऊंगी। इसे मैं उनको डबल लेकर बना रही हूँ, जिससे ये मीडियम साइज का बन जाएगा। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहती है तो ज़्यादा फंदे लेकर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके आगे तक पहुँचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 30 फंदे ले लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसमें 30 फंदे ले लिए हैं। अब नीचे देखिए, जैसा इसमें बढ़ा हुआ है वैसे ही यहाँ पे बढ़ाना है। तो यहाँ के शुरुआत के दो फंदों में से ये वाला बना हुआ है। इसे तो दिखाते हैं कैसे बना है। देखिए, पहला फंदा इस तरह से उठा लेना है और दूसरे फंदे में देखिए धागा सामने ले आना है और दूसरे फंदे में जाली डालनी है। तो ये एक ही फंदा लेके इस तरह से जाली डालेंगे। देखिए, आप लोग पूछ रहे थे कि जाली कैसे डालते हैं, तो ये जो कांटे के ऊपर से इस तरह से धागा को लपेट के लेते हैं तो इससे ये जाली बन जाती है। ये वाला ये जाली बन गया और ये जो है तीसरा जो दिख रहा है ये फंदा, ये चैन बनेगा। अब यहाँ से देखिए, बाकी फंदे को जो 28 फंदे इधर हैं उसमें से अब दो दो फंदे लेकर के सेम करेंगे, जाली ही डालना है। तो देखिए, इसमें एक पहले वाले में एक फंदा लिए थे, यहाँ से अब दो दो फंदे लेंगे साथ में। ये इस तरह से सीधा ले लेना है और फिर इस तरह से जैसे पहले लपेटे थे वैसे ही लपेट रहे हैं और इसे निकाल लेना है। तो देखिए, ये यहाँ पे ये जाली डल गई और यहाँ पे दो फंदे का एक हो गया। इससे फंदा बढ़ेगा नहीं, देखिएगा। फिर से ले आए, फिर से ये दो फंदे लेंगे साथ में इस तरह से और फिर इसमें जाली डालेंगे इस तरह से। फिर धागा सामने ले आएंगे, बार बार धागा सामने ले आएंगे, फिर दो फंदे लेंगे साथ में इस तरफ से और फिर इसमें जाली डालेंगे। दो फंदा लेंगे साथ में और ये जाली डालेंगे। फिर से दो फंदा साथ में। इसे साड़ी, पुरानी साड़ी से बनाने में यही जो दो फंदा साथ में ले रहे हैं उसे एक साथ लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी अगर कोशिश करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन काफ़ी मेहनत लगेगा। देखिए, इस तरह से इसे अंत तक करना है। दो दो फंदा लेते जाना है इसी तरह से, सीधी सीधा बिन के इसमें जाली डाल देना है और बार बार धागा को इस तरह से सामने लेते आना है। इसी तरह से यहाँ तक कर लेते हैं। अंत में इसमें दो फंदे छोड़ने हैं तो यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए, अंत में आ गए हैं। अब अंत में सिर्फ ये चार फंदे हैं जिनमें से दो फंदे में यही जाली वाला पैटर्न डालेंगे। ये हो गया। अब ये अंत के जो दो फंदे इसे छोड़ देते हैं, उल्टे साइड में सभी को उल्टा उल्टा बिनते जाना है। यहाँ से जो जाली डाले थे उसे भी उल्टा बिनना है और जो फंदा था उसे भी उल्टा उल्टा बिनते जाना है। इसे यहाँ तक कर लेते हैं, ऊपर तक। ये देखिए, बिन लिए, फिर से सीधी साइड आ। देखिए, जैसे यहाँ पे ये इधर के फंदे उल्टे उल्टे बिने हुए, जैसे जैसे बढ़ता गया है उधर उल्टा उल्टा बिनते गए हैं और जो एक फंदा लेकर के जाली डाले थे उसमें इस तरह का चैन बन रहा है। तो देखिए, इसी तरह यहाँ पे ये पहला फंदा को उठा लेंगे, इसके बाद एक फंदा जो बड़ा है पहली लाइन में उसे उल्टा बिनेंगे इस तरह से और फिर से ये वाला जो फंदा है इसे सीधा बिनेंगे, जिसे यहाँ पे फिर से एक जाली बन जाएगी और एक फंदा ये देखिए बढ़ गया। यहाँ पे तीन थे, अब ये चार हो गए। फिर से धागा सामने लाएंगे और ये जो दो फंदे हैं, अब देखिए ये जाली बना हुआ है एक और ये एक चैन है, तो ये दोनों को साथ में लेना है। फिर धागा सामने लाएंगे और ये दो फंदे को फिर से सीधा बिनेंगे इस तरह से। फिर से धागा सामने लाएंगे, फिर से ये दो फंदे इस तरह से सीधा बिनेंगे। फिर से धागा सामने,
फिर से ये दो फंदे सीधा, देखिए इस तरह से, इस तरह से ये जाली डलती जा रही है। ऐसे ही यहाँ अंत तक कर लेते हैं, पहले दो फंदे छोड़े, अब इन दोनों को छोड़ देंगे, यानी यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए फिर से ये दो फंदे छोड़ देते हैं, अब यहाँ उल्टी साइड में सबको उल्टा उल्टा ही बीनते जाना है। जो जाली था उसे भी उल्टा बीनना है, जो चैन है उसे भी उल्टा बीनना है, ऐसे उल्टा बीनते हुए ऊपर तक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ आ गए, फिर से वही करेंगे जो पहले किए, सेम है। पहला फंदा उठा लेते हैं और जो बढ़ा हुआ है दो लाइन में दो फंदे, उन्हें उल्टा बिनेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये अब समझ में आ रहा है कि ये चैन बन रहा है, इसे फिर से यहाँ पे जाली डालनी है तो इसे सीधा ही बिनेंगे। यहाँ पे ये पहला वाला जो चैन बनता है उस सिंगल फंदे पे बनता है, एक ही फंदा लेके इसमें इस तरह से जाली डालते हैं, और पीछे के जितने भी जाली हम लोग डाल रहे हैं इस तरह का चैन बन रहा है वो डबल डबल फंदे पे, यानी कि ये जो जाली और ये दोनों को साथ में लेके जाली डालना है। तो सामने कर लेंगे इस तरह से, और ये दो फंदे को साथ में ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसमें जाली डाल देते हैं। फिर से धागा सामने, फिर से ये दो फंदे साथ में सीधा से लेंगे इस तरह से, और फिर इसमें इस तरह से जाली डाल देंगे। गोल होने के लिए हम लोग अंत में दो दो फंदे इसमें छोड़ रहे हैं इस डोरमेट में। ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से, फिर से जाके दो दो चार, इस बार ये दोनों को छोड़ देते हैं, ये चैन और ये जाली यहाँ तक, यानी कि इस बार यहाँ तक कर लेना है। इस तरह से इसे लास्ट बना लिया, और यहाँ पे देखिए ये छह फंदे छोड़ दिए हैं, दो दो चार, ये दो छह। इस तरह से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो जाली बनी है, और यहाँ पे ये एक दो और ये तीन, क्योंकि इस बार लाइन में जो बना है जिसकी वजह से यहाँ पे तीन जालियाँ बनी है। तब ये छोड़ दिए, यहीं से धागा पीछे कर देंगे, उल्टे साइड में सबको उल्टा बिन के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए फिर से सामने की तरफ आ गए, फिर से सेम है एकदम वैसे ही। पहला फंदा उठाएंगे, जो बड़े हुए फंदे हैं उन्हें उल्टा उल्टा बिनेंगे, एक ये दो, तीन फंदे बढ़े हुए हुए थे क्योंकि हम लोग इधर छह फंदे अभी तक छोड़े हैं, तो इधर तीन फंदे बढ़े हुए हैं। और ये जो फंदा है इसमें फिर से सिंगल को सीधा लेके बिन देंगे, जिससे यहाँ पे एक और फंदा बढ़ जाएगा, इस साइड में ये जाली बनेगी। बाकी फंदों को इस तरह से डबल लेकर के जाली डालते जाना है, और फिर से अंत में इस बार दो फंदे छोड़ेंगे, जिससे यहाँ पे आठ फंदे फिर से छूट जाएंगे। फिर से बिनते हुए चले जाते हैं, और इस बार ये यहाँ तक छोड़े थे, फिर इन दोनों फंदे को छोड़ देंगे, ये वाला चेन और ये जाली तक। तो देखिए इस तरफ से उल्टे साइड से देखने से समझ में आ जाएगा कि फंदे कहाँ तक छोड़े थे। तो हम लोग यहाँ तक छोड़े थे, तो देखिए यहाँ भी जैसा गैप बन गया है, और ये सब फंदे जुटे हुए हैं एक साथ है। तो अब कि यहाँ तक बिनेंगे हम लोग, और ये दो फंदे छोड़ देंगे, तो ये यहाँ तक कर लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए ये दो फंदे फिर से इस तरह से जाली डाल देते हैं, अब ये दो फंदे छूटेंगे। देखिए धागा पीछे है, पीछे ही रहने देंगे इसे, और यहाँ से सबको उल्टा बिन लेंगे, बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं फिर से। ये देखिए फिर से आ गए ऐसे ही। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला जाली का जो फंदा बढ़ेगा उसे इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनते जाना है, इधर का दो दो फंदे में जाली डालते जाना है, और इधर अंत में दो दो फंदे करके छोड़ते जाना है। तो ऐसे ही एकदम यहाँ तक ये जो लास्ट वाला जाली है, चैन है, यहाँ तक कर लेते हैं, छोड़ लेते हैं।
जैसा कि बताएं ऐसे ही दो दो फंदे करके छोड़ते हुए यहाँ तक छोड़ लेते हैं। इसके बाद बताते हैं कि ये वाला ऐसे कैसे हुआ है। ये देखिए, दो दो फंदे छोड़ते हुए इस तरफ से एक चैन और एक जाली छोड़ते हुए यहाँ तक छोड़ दिए हैं, मतलब 26 फंदे तक छोड़ दिए हैं। आपके ये जो दो फंदे हैं, ये चैन और ये वाला, तो 28 फंदा तक छूट जाएगा। तो देखिए फिर से वही करेंगे, बढ़े हुए फंदे को उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये यहाँ पे फिर से जाली डाल देते हैं सिंगल फंदे पे इस तरह से। अब ये यही दो फंदे हैं अंत में, इन दोनों को छोड़ देते हैं धागा यहीं से उल्टी तरफ। उल्टी तरफ से सबको बीनते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। देखिए फिर से यहाँ आ गए, इधर 28 फंदे तक छोड़ दिए हैं। अब ये जो एक एक जाली डाले थे इधर में, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना फंदा जो बढ़ गया है, इन सब फंदों को अब यहाँ पे एक लाइन में घटा देते हैं। दो फंदे का एक कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से ये जो लास्ट जाली है यहाँ तक घटा लेते हैं। देखिए यहाँ तक घटा के आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जाली नहीं डालना है। अब क्या करेंगे, धागा को इस तरह से पीछे कर देंगे और सिंपल से इसे सीधा बीन लेंगे। यहाँ पे अगर जाली डालेंगे तो फंदे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग का शुरुआत में यहाँ पे दो फंदा था, वैसे ही फिर से यहाँ पे दो फंदा हो जाएगा। और इस लाइन में देखिए क्या करेंगे, जो जाली डालने वाला जैसा काम था इधर में, वैसे ही करते जाएंगे। दो दो फंदे साथ में लेकर के बाकी सारे फंदों में जाले डाल देंगे इस तरह से। इस लाइन में सबको एक साथ कर देना है। तो इस तरह से सिंपल सिंपल ना बीनते हुए जाले डालते हुए अंत तक ऐसे कर लेते हैं। ये दो दो फंदे छोड़े थे उनमें, देखिए ये चैन और जाली है, इस तरह से ले लेंगे। इस लाइन में जो जाली पड़ रही है वो बाकी जालियों की तुलना में थोड़ा साइज में बड़ा दिख रहा है, देखिए, क्योंकि इस लाइन में सबको एक साथ कर रहे हैं। इस वजह से जो दो दो फंदे छोड़े थे उनको एक साथ कर दे रहे हैं इस लाइन में। इसे अंत तक कर लेते हैं इसी तरह से। ये अंत वाले फंदे में भी इसी तरह से जाली डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक कली कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से दूसरा कलर लगा लेंगे। इस तरह से इसे ऊपर तक उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। ये देखिए सबको बीनते हुए ऊपर तक आ गए हैं। फिर से वही जैसे पहले लाइन में किए थे वैसे ही करना है। फिर से पहला फंदा उठा लेना है और ये इस बार आसान होगा। देखिए ये चैन बन रहा है तो यहाँ पर चैन डालना है, तो सीधे इस तरह से सीधा बीन करके इसमें एक जाली डाल देते हैं और ये चैन बन जाएगा। फिर से बाकी फंदे हैं उनमें से दो दो फंदे में इस तरह से जाली डालते जाना है। फिर से इसी तरह से सब में जाली डाल देंगे और अंत में जाके दो फंदे फिर से छोड़ देने हैं। ये देखिए इस तरह से फिर से ये सेम करते जाना है अंत तक। देखिए ऐसे ही इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेना है जैसा इसमें है। फिर से ये दो दो फंदे छोड़ते जाना है और अंत वाले लाइन में सब फंदों को घटा देना है। यहाँ पे एक फंदा सीधा ही बीन देना है, इसमें फंदे नहीं बढ़ाना है। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है।